सर। उस दिन सोफी की आंखों से बहने वाले आंसुओं में इतनी सच्चाई थी कि उनकी नमी मुझे अपनी आंखों में महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात थी जो मुझे परेशान कर रही थी। इस कहानी में कोई तो एक कड़ी थी जो अभी भी मिसिंग थी। अच्छा वर्मा, यह है उस आदमी का स्केच। ऑफिसर प्रधान, इस आदमी को ढूंढिए, इसने मेरे भाई को मारा। मुझे ये आदमी किसी भी कीमत पर चाहिए। और आज रात की दूसरी खास खबरों में, लेमो मैथ्यूज मर्डर केस में मुंबई पुलिस ने संदिग्ध कातिल का एक स्केच जारी किया है। जेन सॉफ्टवेयर कंपनी के मालिक लेमो मैथ्यूज की कल रात उन्हीं के घर में बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बताया जाता है कि कातिल का नाम सनी खन्ना है, जो पेशे से एक एक्टर है। अगर आप में से किसी को भी इस व्यक्ति के बारे में कोई भी जानकारी हो तो कृपया मुंबई पुलिस को इन नंबरों पर संपर्क। क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? मिस्टर वर्मा, आपका अंदाजा सही निकला। आपका काम खत्म, आप कानून को अपना काम करने दीजिए। अच्छा जी, सारे सबूतों और गवाहों के बयानात से ये जाहिर है कि मुलजिम सनी खन्ना वल्द अनिल खन्ना ने एक तरफा प्यार के जुनून में रेमो मैथ्यूज का कत्ल किया। इसलिए ये अदालत मुलजिम सनी खन्ना को इस कत्ल के जुर्म में दफा 302 के तहत उम्र कैद बामुशक्कत की सजा सुनाती है। Thanks for everything, Siddhartha. Take care, Sophie. क्या हुआ सोफी? सोफी, अंदर जाने का जी नहीं कर रहा है। अब यहां यादों के सिवा कुछ भी जिंदा नहीं।
शायद मैं भी नहीं। मैं समझ सकता हूँ सोफी, जिंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त आता है जब जीने और मरने में कोई फर्क नहीं होता, लेकिन ये पल भी गुजर जाएंगे सोफी, बस इस वक्त अपने आप को संभाल लो। इतना आसान तो नहीं होता ना सिद्धार्थ। मैं मानता हूँ सोफी, मगर कोशिश तो करो, ऑफिस आओ, काम संभालो, थिएटर जाओ, ट्राई टू कीप योरसेल्फ बिजी। सिद्धार्थ मैं सोच रही थी कि कुछ दिनों के लिए मैं बाहर चली जाऊँ। गुड आइडिया, माहौल बदलेगा तो सोच भी बदलेगी। मैं सारी अरेंजमेंट्स करवा देता हूँ। कहाँ जाना चाहोगी? Go get him. किसी का असली चेहरा देखे बगैर उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। He's going to propose, Sally, he's going to propose. पता नहीं डार्लिंग, शायद रॉन्ग नंबर था। टाइमिंग भी बड़ी रॉन्ग थी। नहीं रेमो, आज मूड नहीं है, फिर कभी। मूड भी बन जाएगा। Come here, you sexy thing. प्लीज़ ये कॉफ़ी पी लेना, ठंडी हो रही है। आई एम नॉट फीलिंग वेल एट ऑल, ऑफिस से आते आते मेरी तबीयत खराब हो गई। इतनी देर क्यों लगा दी आने में? देख रहा था यहाँ में कोई पहचानने वाला तो नहीं है। तो क्या देखा? कुछ नहीं सिवाय तुम्हारे। इतनी देर से क्या देख रहे हो? हमारा सपना, समंदर बनना हर दरिया का सपना होता है। कल तक हमारी जिंदगी एक दरिया की तरह थी, लेकिन कुछ ही दिनों में जब कंपनी बिक जाएगी और सारे पैसे हमारे हाथ में होंगे, तब हमारी जिंदगी भी एक समंदर बन जाएगी। इट्स गुड टू बी बैड। पानी जितना गहरा होता है उसमें उतने ही राज छुपे होते हैं, है ना सिद्धार्थ? तुम ठीक तो ना सोफी? शैंपेन ज्यादा हो गई? एक बात पूछूं सिद्धार्थ? मैंने तो जो भी किया सिर्फ तुम्हारे लिए किया, पर तुमने जो किया उसका कारण सिर्फ पैसा था या कुछ और? पैसे से बड़ा कोई कारण नहीं होता सोफी। मुझे ऐसा लगता है कि तुमने मुझसे कुछ छुपाया है। प्लीज मुझे गलत मत समझना सिद्धार्थ, ये जिंदगी तुम्हारी दी हुई है। तुमने मुझसे प्यार किया तो मुझे खुद से प्यार हुआ। तुम मुझे ना भी बताना चाहो तो भी मेरे प्यार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर पूछ क्यों रही हो? बस यूं ही,
कभी कभी दिल करता है कि तुम भी मुझे अपनी जिंदगी में उसी तरह से शामिल करो जैसे मैंने तुम्हें किया है। सिद्धार्थ, ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे भी छुपा के रखना चाहते हो? ये मेरी माँ है सोफी, और मैं रेमो का सौतेला भाई। क्या कह रहे हो? माँ के लिए बाबा ही सब कुछ थे, लेकिन बाबा के लिए पैसा, इसलिए काम के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर रहते थे। फिर एक दिन हमें पता चला कि बाबा के घर से बाहर रहने का कारण उनका काम नहीं बल्कि उनकी दूसरी फैमिली थी। बाबा ने पैसों की लालच में किसी अमीर औरत के साथ शादी कर ली थी, और उस शादी से उनको एक बेटा था, रेमो। ये पता चलते ही माँ मुझे लेकर उनके घर पहुंची, लेकिन बाबा ने हमें पहचानने से साफ इनकार कर दिया। बकवास कर रही है ये, झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही हूँ? मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने तुम्हारे झूठे प्यार को सच माना, अपनी सच्ची कोख से तुम्हारा बेटा जन्मा, और तुम कह रहे हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मेरे प्यार में कहाँ कोई कमी रहेगी? जो बोलो, बोलो ना। इसके आंसुओं पर मत जाना नहीं, मैं जानता हूँ ऐसी औरतों को। अरे पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हैं। पैसों के लिए तो तुम मरे जा रहे हो, इसलिए तो हमें छोड़कर इसके साथ शादी का नाटक कर रहे हो। इसको तो मैं बताता हूँ, यहाँ से जाती है तो उठाकर बाहर फेंकूं तुझे। नहीं जाऊंगी मैं। अगर इतनी भूख थी किसी औरत के पैसों की तो मेरे दलाल बन जाते, तुम्हारे प्यार की खातिर हंसकर धंधा भी कर लेती मैं। मेरे बच्चे के सामने ऐसी गंदी बकवास कर रही है तू? और सिद्धार्थ, ये तुम्हारा बेटा नहीं है? ये मेरा बेटा नहीं है, नहीं है ये मेरा बेटा। मेरा सिर्फ एक ही बेटा है रेमो, और एक ही बीवी है एनी। ऐसा मत कहो जो, प्लीज मेरे बच्चे का दिल टूट जाएगा। बहुत हो चुका है नाटक, अभी ये नाटक खत्म कर देता हूँ मैं। ये क्या कर रहे तू? निकल जाओ, निकल जाओ तुम, और साथ में अपने बाप को भी लेती जाओ, वरना इस हरामी को अभी यहीं गोली मार दूंगा। मेरा बच्चा हराम नहीं है। तुमने मेरे बच्चे को गाली दी, तुमने मेरे बच्चे को गाली दी। निकालो कि दीजिए। नहीं है मेरा बच्चा हराम।